First blood. Sweat. First blood. First blood. First blood. First blood. क्या अतुल भाई, तुम यूट्यूबर लोग तो ना बड़े आसानी से वन टैप बैटर मार लेते हो, बट हमारा वन टैप बैटर तो लगता ही नहीं है। अरे वो पुराने तरीके गए, वो सब रोटेशन ट्रैक फोटेशन ट्रैक सब कुछ छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा भाई इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बिल्कुल न्यू ट्रिक बताने वाला है। अच्छा अतुल भाई, नया ट्रिक? हाँ भाई हाँ, एकदम नया तरीका है, बस तुम इस तरीके को ना अच्छे से कॉपी कर लेना। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अच्छा अतुल भाई, ये बताओ कि ये जो ट्रिक तुम बताने वाले हो क्या सब गन्स के लिए वर्क करता है? तुम्हारे पास चाहे SVD गन हो, डेजर्ट ईगल हो या फिर कोई भी शॉटगन हो, ये ट्रिक ना 100% वर्क करेगा। अच्छा अतुल भाई, फिर तो बहुत ज्यादा तगड़ी वाली ट्रिक होगी। हाँ दोस्तों, ये ट्रिक तगड़ी होने के साथ साथ सुपर डुपर हिट भी है। बस तुम मेरे बताए हुए तरीके को ना एक एक करके फॉलो कर लेना, फिर देखना तुम्हारे हेडशॉट कितने अच्छे से लगते हैं। ओपी अतुल भाई, फिर तो वो ट्रिक जल्दी से बता दो। हाँ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ना तुम्हारे इस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट कम्प्लीट करवा दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एंड गाइस, वीडियो को बनाने में ना काफी ज्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज यार वीडियो पे ना 1K लाइक्स का टारगेट है, ये छोटा सा लाइक टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करवाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं हमारी न्यू हेडशॉट ट्रिक के बारे में। अभी देखो, ये जो ट्रिक मैं आप सबको बताने वाला हूँ वो ट्रिक मेरे लिए तो पुरानी होने वाली है, लेकिन आप लोगों के लिए ये तरीका बिल्कुल ही नया है, क्योंकि मैं इस ट्रिक का यूज बहुत ही पहले से करता आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सबको चुपचाप बिना सुने, नहीं मेरा मतलब है बिना सोचे, सुनोगे नहीं तो फॉलो कैसे करोगे, इसीलिए आप लोगों को सुनना और देखना है, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपका लेफ्ट फायर बटन ऑन नहीं है तो उसको ऑलवेज पे सिलेक्ट करके हमेशा के लिए ऑन कर लो, और ये मत सोचना कि मैं आपको इस फायर बटन को मेन फायर बटन में डालने के लिए बोलूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग ना बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि आप लोगों को मैं इसका नया ट्रिक बताने वाला हूँ। अच्छा तो भाई, उसके बाद दोस्तों, अगर तुम 2 फिंगर से खेलते हो तो आप लोगों को अपना फायर बटन यहाँ पे सेट कर देना है, लेकिन अगर आप लोग 3 फिंगर से खेलते हो एंड 4 फिंगर से खेलते हो तब भी आप लोगों को अपना लेफ्ट फायर बटन यहीं पे रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देना हूँ, इसका साइज आप लोगों को 100 बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका साइज आप लोगों को हमेशा ही 80 से कम रखना है। लेकिन कुछ बंदे कमेंट करके पूछेंगे कि भाई सेंसिटिविटी कितना रखना है, तो उन भाइयों के लिए मैं सेंसिटिविटी भी बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों को अपना जो जर्नल सेंसिटिविटी है उसको एकदम 100 कर देना है, मतलब कि लाइन से बाहर निकाल देना, जितना हो सके अपना जर्नल सेंसिटिविटी उतना इंक्रीज कर देना है। एंड अपना जो रेड डॉट सेंसिटिविटी है उसको 95 पे रख देना है। ये जो सेंसिटिविटी मैंने आप लोगों को बताई है इस ट्रिक के साथ बहुत ही ज्यादा वर्क करती है। और साथ में दोस्तों, अगर आप लोगों को डीजे एलोकन डायमंड चाहिए तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे जाके DM करो, फॉलो करो, मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अभी डिस्कस करते हैं हम अपनी न्यू हेडशॉट ट्रिक के बारे में। देखो, हम सब क्या करते हैं, हेडशॉट मारते टाइम हम अपने फायर बटन को सिंपली ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, और इस टेक्निक से हमारे हेडशॉट बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं। ये तरीका पुराना हो गया, लेकिन इस तरीके से हम न्यू ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। जैसे देखो, जब भी तुम ड्रैग करने के लिए अपने फायर बटन को नॉर्मली ड्रैग करते हो तब आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन पे प्रेस करके हुए रखना है। मेरा मतलब कि जब भी आप अपने मेन फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तभी आप लोगों को क्या करना, अपने लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक किए हुए रखना है। लेकिन अभी ये ट्रिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ ले, उसके बाद आप लोगों को ये ट्रिक अप्लाई करना है। देखो, जब तुम अपने लेफ्ट फायर बटन पे क्लिक करोगे ना तब तुम्हारा बंदा एकदम स्टिल खड़ा हो जाएगा, एंड तुम्हारा जो एमिंग लेवल होगा ना वो बंदे के शोल्डर के बराबर होगा। एंड यहाँ पे आप लोगों की 2 कंडीशन पूरी हो जाएगी। पहला तो तुम्हारा बंदा एकदम स्टिल पोजिशन में खड़ा हो जाएगा, एंड इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों का गन है वो रिकॉइल नहीं करेगा, एंड साथ में मिस शॉट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, तुम्हारा एमिंग का जो लेवल होगा ना वो शोल्डर के बराबर होने वाला है, एंड इस टाइम अगर आप लोग अपने फायर बटन को जरा सा भी ड्रैग करोगे ना तो आप लोगों का हेडशॉट लगना 100% पक्का है। लेकिन ये ट्रिक अप्लाई करते टाइम आप लोगों को ऑलवेज टाइम स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना है, एंड स्ट्रेट ड्रैग यूज करते टाइम आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आप लोग दोनों फायर बटन के ऊपर एक साथ क्लिक करोगे। आप लोग दोनों फायर बटन पे एक साथ क्लिक करके ड्रैग करोगे ना तभी आप लोगों का हेडशॉट लगेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हो तो कोई फर्क नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज्यादा आगे पीछे कर देते हो ना तो आप लोगों का हेडशॉट नहीं लगेगा। तो ये था हमारा न्यू हेडशॉट ट्रिक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए।